नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आपने पिछले भाग में पढ़ा, आइए उसका प्रत्यावहन करते हैं। समान चुंबकों के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबकों का ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, दक्षिण ध्रुव कहलाता है। यह देखा गया है कि जब कोई कंपास किसी धारा ले जाने वाले चालक के निकट लाया जाता है, तो विद्युत के प्रवाह के कारण कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है। यह दर्शाता है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की काल्पनिक रेखाओं को चुंबक की क्षेत्र रेखा या क्षेत्र रेखा कहते हैं। यदि किसी धारा ले जाने वाले चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार धारण करने की कल्पना की जाती है कि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है, तो हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं कि आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर के पुर्जे और विद्युत मोटर की कार्यकारी। तो आइए पढ़ते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि बाएं हाथ की प्रथम तीन उंगलियों एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो एवं मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा। इसका अर्थ है कि अगर हम अपनी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करें और मध्यमा उंगली धारा बहने वाली दिशा में करें, तो जो अंगूठे की दिशा होगी वह ही हमारे चालक के घूमने की दिशा होगी। अब पढ़ते हैं विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर। एक विद्युत मोटर एक उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई पंखा, तो पंखे में जब हम विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो वह हवा महसूस कराता है। तो हमने देखा कि विद्युत ऊर्जा कैसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई। तो आइए पढ़ते हैं विद्युत मोटर के पुर्जे। तो विद्युत मोटर के पुर्जे हैं विद्युत रोधित तार, चुंबकीय ध्रुव, विवक्त विलय, धुरा, ब्रश, स्रोत बैटरी। तो इसकी कार्यकारी इस प्रकार है। जब करंट प्रवाहित होने लगता है तो करंट एक्स ब्रश से प्रवाहित होता है, वो जाता है ए की तरफ, ए से बी की तरफ, बी से सी, सी से डी, डी से वाई ब्रश की तरफ, फिर वाई ब्रश से बैटरी और बैटरी से दोबारा एक्स। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है बार बार। अब पढ़ते हैं, जब अब तक आपने देखा कि धारा प्रवाहित हो रही है, तो एबी तार पर जब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू करेंगे तो विद्युत धारा एबी की दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। यही कारण है कि तार की गति नीचे की ओर है। और जब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम सीडी तार पर लागू करेंगे तो हमने देखा कि विद्युत धारा सीडी की दिशा में है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है वही उत्तर दक्षिण दिशा में। यही कारण है कि तार की गति ऊपर की ओर है। तो जब ए बी तार नीचे जाएगा और सी डी तार ऊपर आएगा, तो यह आयताकार कुंडल ए बी सी डी
वामावर्त दिशा में चलना शुरू करता है। ध्यान दें कि जब तार या कुंडल ए बी सी डी वामावर्त गति में चलता है तो विवक्त विलय और धुरा भी चलते हैं, जबकि ब्रश नहीं चलते हैं। तो आपने देखा आधा घूमने के बाद तार सीढ़ी और विवक्त विलय क्यू बाईं ओर चलती हैं, तार ए बी और विवक्त विलय पी दाईं ओर चलती हैं, जबकि ब्रश एक्स और वाई का कोई संचलन नहीं होता है, यानी वो स्थिर रहती हैं। तो जब आधा घूम गई हैं तब हम तार सीढ़ी पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू करेंगे। तो विद्युत धारा डी से सी की तरफ प्रवाहित होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगा। यही कारण है कि तार सी डी में गति नीचे की ओर है, जबकि जब ए बी तार पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू करेंगे तो विद्युत धारा बी ए की दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दक्षिण दिशा में है। यही कारण है कि तार की गति ऊपर की ओर है। तो फिर से कुंडल वामावर्त दिशा में ही घूम रहा है, जैसा कि आपने पहले देखा और अब देखा कुंडल पहले भी वामावर्त में ही था, अब भी वामावर्त दिशा में ही है। कॉइल में विद्युत धारा के उलट होने के कारण ये लगातार चलता रहता है, जैसा कि आपने देखा पहले आधे भाग में भी वो वामावर्त ही घूम रहा था, दूसरे आधे भाग में भी वो वामावर्त ही घूम रहा था। तो वह इस विद्युत धारा के उलट होने के कारण लगातार घूमता रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी विमान का पंखा, इसका उदाहरण है कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो, तो इसमें भी इसी प्रकार की मोटरें इस्तेमाल की जाती हैं। तो आज का सारांश है, हमने पढ़ा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि यदि बाएं हाथ की प्रथम तीन उंगलियां एक दूसरे लंबवत फैलाई जाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो एवं मध्यम चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो तो उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होगा। एक विद्युत मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। धन्यवाद।